नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ श्वेता त्रिपाठी और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत खास विषय की। ये जो पॉडकास्ट है ये बात करेगा एस्ट्रोलॉजी की, लेकिन मेन स्ट्रीम एस्ट्रोलॉजी की नहीं, बात हम करेंगे साउंड एस्ट्रोलॉजी की। आप भी चौंक गए ना, आपको भी लगा ना ये साउंड एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, क्या किसी की आवाज़ से भी उसका भविष्य बताया जा सकता है? अभी तक तो हम पामिस्ट्री जानते थे, अभी तो हम चार्ट के जरिए अपने भविष्य को समझते थे, लेकिन ये भी संभव है? बिल्कुल ये संभव है, लेकिन ये संभव हुआ कैसे? क्या हम अपनी आवाज़ से अपने भविष्य को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और क्या कुछ और हो सकता है? आज इसी पर बातचीत करने के लिए आचार्य कृष्णा हमारे बीच मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य। नमस्कार। मैं एक बात समझना चाहती हूँ, जैसे आपने मुझे बताया भी थोड़ी देर पहले कि साउंड एस्ट्रोलॉजी से हम अपने भविष्य को जान सकते हैं, ये साउंड एस्ट्रोलॉजी क्या है? देखिए, साउंड एस्ट्रोलॉजी कोई आज के परिवेश में नया नहीं है, और इसकी उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारक कोई है तो देवाधिदेव महादेव भगवान शिव हैं। ये शिव से इसकी उत्पत्ति हुई है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि संसार की जितनी भाषा हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, तो इसकी उत्पत्ति का कारक भी भगवान शिव ही हैं, देवाधिदेव महादेव हैं। क्योंकि किसी व्यक्ति से अगर हम आप आज के परिवेश में पूछते हैं कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अन्य भाषाओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई, प्राकृत है, पाली है, संस्कृत है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रोमन भाषा है, पोलिश है, मलयाली है, कन्नड़ है, हिंदी है, जो भी भाषा हम बोलते और लिखते हैं, इस सभी के पीछे उत्पत्ति के कारक जो है देवाधिदेव महादेव भगवान शिव हैं। और शिव से ही ये ध्वनि शास्त्र और ध्वनि ज्योतिष जो है हम लोगों को प्राप्त हुई है। इसका सबसे मूल सूत्र मैं आपको बता देता हूँ कि भगवान शिव ने जब नृत्य किया तो उस समय डमरू वादन किया है। तांडव नृत्य, हाँ, तो तांडव का जो दूसरा है, जब उन्होंने डमरू वादन किया तो उस समय 14 माहेश्वर सूत्र निकले, ऐसा संस्कृत में उद्धृत है। और श्लोक में कहा गया है कि नृत्तावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्का नवपंच बारम उद्धर तुकाम सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। यह शिव का सूत्र है जिसके माध्यम से ये ध्वनि ज्योतिष निकल करके आई। क्योंकि हर मनुष्य अपने जीवन में, चाहे वो श्वास चल रही हो तो उसमें भी ध्वनि है, हम चलते हैं तो उसमें भी ध्वनि है, हवा चलती है तो उसमें भी ध्वनि है। संसार का कोई ऐसा काम नहीं है जिस जो ध्वनि पर न निर्धारित हो। लेकिन और इसी कोई भी ध्वनि ज्योतिष की बात क्यों नहीं करता, क्योंकि हमने मतलब साउंड एस्ट्रोलॉजी क्या बहुत कठिन है जिस पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि हर कोई चार्ट की बात कहता है, हर कोई कहता है अगर आपका भविष्य प्रिडिक्ट करना है तो लाइए अपना हाथ दिखा दीजिए, नहीं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। लेकिन कोई ये, मैंने तो भाई बहुत इस तरीके से कहूँ कि नहीं सुना जो लोग कहते हो कि सिर्फ आप बोल दीजिए और हम आपका भविष्य बता देंगे, तो ये क्या बड़ी डिफिकल्ट है इस चीज़ को समझना? जिस पर डिफिकल्ट नहीं है, ये मूल रूप से जो ध्वनि ज्योतिष है ये पूरा पूरा ध्यान पर आधारित है। इसका मूल जो केंद्र बिंदु है वो ध्यान पर है। अन्य अगर एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं तो हस्तरेखा, मस्तिष्क रेखा, पांव की रेखा, प्राणवायु, या हम डेट ऑफ बर्थ, बर्न टाइम, बर्न प्लेस से कोई चीज़ निकालते हैं तो वो गणित ज्योतिष है। अच्छा। और कहीं भी बैठ करके हम किसी अलग अलग स्थानों पर होते हैं तो वो भौगोलिक ज्योतिष है। अभी ये हम स्वर ज्योतिष कर रहे हैं, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ये ध्वनि पर आधारित ज्योतिष है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ बोलते हैं तो उसमें जो है 27 नक्षत्र और नवग्रह कहाँ कहाँ किन किन स्थानों पर गवर्न कर रहे हैं और निरंतर चलते रहते हैं, तो उसी के आधार पर जो हमारी ये पंच तत्व की भौतिक शरीर है और इसमें से जो ध्वनि निकलता है, तो जैसे ही किसी की आवाज़ निकलती है तो समझ में आ जाता है कि इस मनुष्य के शरीर में इस वक्त कौन सा ग्रह बोल रहा है और कौन सा ग्रह इस शरीर के अंग में कहाँ कहाँ किन किन स्थानों पर वो अपने काल चक्र की गति से चल रहा है। यानी कि अगर कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, उन लोगों के लिए साउंड एस्ट्रोलॉजी बहुत कारगर है। हाँ बिल्कुल, अगर किसी व्यक्ति, वैसे भी मैं आपको यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं कि यदि कोई व्यक्ति 5:15 पर जन्म लेता है और उसके बाद अगर टाइम आगे पीछे हो गया और कहीं लग्न परिवर्तन हो रही हो तो उसका फल और प्रतिफल बदल जाता है। तो अक्सर देखने को मिला है कि एक ही स्थान पर, एक बात मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं
कि एक ही हॉस्पिटल में एक ही जगह पर एक साथ जो है अगर 10 बच्चे जन्म लेते हैं 5:15 पर, तो सभी का लग्न चार्ट एक जैसा होगा, सबके ग्रह भी एक जैसे बैठे होंगे लग्न चार्ट में, और भविष्य फल भी जब लोग लिखते हैं तो एक जैसा ही लिखते हैं। लेकिन अंतर क्या आ जाता है कि एक लड़का उसमें से IAS बन जाता है, एक लड़का उसमें से डॉक्टर बनता है, और एक उसमें से जो है असफलता को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ध्वनि शास्त्र के माध्यम से हम यह भी जान सकते हैं कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण ग्रासितः, ध्वनि शास्त्र जो है उसकी आवाज़ बताती है कि इसके पिछले जन्म के रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं और प्रेजेंट क्या हैं और भविष्य में क्या कर सकता है। क्योंकि ध्वनि जो है कभी भी किसी भी अवस्था में, चाहे वो जिस भी अवस्था में मनुष्य हो, परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसकी आवाज़ से, आजकल तो बहुत सारे यंत्र आ गए हैं उसमें लोग आवाज़ों को बदल देते हैं, लेकिन जो मूल उसका आवाज़ है वो कभी भी परिवर्तन नहीं होता। ये प्रकृति में और आकाश में ये सदैव सतत और निरंतर रहता है। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि अगर आपसे कोई फोन पर भी बात कर रहा है तब भी आप उसका भविष्य प्रिडिक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ साउंड की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, मैंने कई लोगों को बताया है, यहाँ तक उससे जानकारी लग जाती है कि वो वहाँ पर बैठा कौन सा वस्त्र पहना है, किस स्थान पर बैठे हैं और कितने लोगों के साथ बैठे हैं और उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, यह भी पता लग जाता है। देखिए, इसका मैं आपको एक और स्पष्टीकरण कर दूं। शास्त्र में कहा गया कि शब्दगुण कमाकाशम आकाशम भवति। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आपने आकाश को देखा है, तो आप बोलिएगा मैंने नहीं देखा है। प्रश्न पूछूं कि आपने वायु को देखा है, तो आप बोलिएगा कि मैंने हवा को नहीं देखा है। लेकिन शास्त्र कहता है कि रूप रहित स्पर्शवान वायु, जिसका कोई रूप न हो लेकिन स्पर्श की अनुभूति से हम बोलते हैं कि हवा चल रही है, महसूस करते हैं। उसी तरह से शब्दगुण कमाकाशम, जहाँ जहाँ ध्वनि है वहाँ वहाँ आकाश है, और हर मनुष्य का शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, तो आकाश तत्व जो है वो सिर्फ जो हम जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं यही नहीं, वो विश्व के किसी भी कोने का व्यक्ति हो, कहीं से भी वो बात करता है तो उसके आवाज़ को सुन करके उसके अंदर में 27 नक्षत्र, नवग्रह, उसका बीता हुआ भविष्य, वर्तमान और आने वाले भविष्य को बताया जा सकता है। साउंड एस्ट्रोलॉजी से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं? साउंड एस्ट्रोलॉजी से मनुष्य का सब कुछ पता लग जाता है। मैं आपके साथ बैठी हूँ तो आप मेरा भी सब कुछ जान रहे होंगे। बिल्कुल, आवाज जैसे ही मनुष्य की सुनाई देती है, मतलब मुझे आपसे डरना चाहिए फिर तो। डरने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो शास्त्र है जिसे भगवान शिव ने उत्पन्न किया है। देखिए, जो रिदम बजाते हैं, चाहे वो वीणा की आवाज़ हो, सितार की आवाज़ हो, तबले की आवाज़ हो, या मनुष्य की आवाज़ हो, पशु की आवाज़ हो, पक्षियों की आवाज़ हो, आपस में पेड़ के जब पत्ते टकराते हैं तो उसमें भी आवाज़ आती है। तो उस पेड़ का भी भविष्य बताया जा सकता है, उस पशु पक्षी का भी भविष्य बताया जा सकता है कि मनुष्य के जीवन में कितने अवधि के लिए यहाँ आया है, आगे भविष्य में क्या क्या करेगा और कैसे करेगा। यहाँ हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तकदीर पहले ही जिस परमात्मा ने, जिस सुप्रीम पावर ने हमको बना करके भेजा है, वो सब कुछ निर्धारित करके भेज दिया है। अच्छा, एक बात मैं पूछूं आपसे, ये एक्यूरेसी, हर आदमी अपनी तरह से गणनाएं करते हैं जो भी ज्योतिष जा रहे हैं, लेकिन जो ये साउंड एस्ट्रोलॉजी है, इसको कितना एक्यूरेट माने? देखिए, शास्त्र गलत नहीं है, और किसी भी विधा का, चाहे वो हस्तरेखा वाला व्यक्ति हो, मस्तिष्क रेखा वाला व्यक्ति हो, पांव की रेखा बताने वाला व्यक्ति हो, डेट ऑफ बर्थ, बर्न टाइम, बर्न प्लेस के आधार पर लग्न चार्ट बना करके बताने वाला व्यक्ति हो, ज्योतिष शास्त्र कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि ज्योतिष को जो है चक्षु कहा गया है। अब निर्भर करता है कि कौन सा ज्योतिषी जो बताने वाला उसका ज्ञानी, उसका ज्ञाता, उसको कहाँ तक कितनी पकड़ है और कितना उन्होंने अध्ययन किया है, कितना साधना किया है, उसके आधार पर वो बताते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं कि किसने इस पर कितना ध्यान केंद्रित किया है, जी, उसी के आधार पर करते हैं। ये गणना कैसे करते हैं कि बाकी जो कुछ, जैसे भी आपने बात की कि हस्तरेखा की बात की आपने, यहाँ पर जो गणित ज्योतिष की बात की आपने, ये इसकी स्वर जो, ये जो साउंड एस्ट्रोलॉजी है, इसकी गणना कैसे करते हैं? देखिए, यहाँ एक बात बताता हूँ आपको, हर मनुष्य अपने हाथ से जो होता है वो 3.5 हाथ का होता है, ये 4, 4, 8, 4, 12, एक बीता में 12 अंगुल होते हैं, और हर आदमी अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 84 अंगुल का हमारा ये शरीर है, और इसका बनावट कैसा है, प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह जो है,
तो कब कहाँ कैसे ये स्थिति बनी रहती है। और इसी में मनुष्य का जो पंच भौतिक शरीर है इसमें 27 नक्षत्र और नवग्रह इस पर गवर्न कर रहे हैं, तो कभी वो मनुष्य जो है सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी तरह तरह की बातों को सोचता है। तो जैसे ही किसी व्यक्ति की आवाज़ को हम सुनते हैं, जब वो बोलता है, तो कौन सी दशा कौन से काल में उसके ऊपर कौन से ग्रह का प्रभाव है, ये तुरंत हम ध्यान के माध्यम से उसको पकड़ लेते हैं। क्योंकि ध्यान के द्वारा ही जब भगवान शिव ने डमरू का वादन किया तो जितने ऋषि मनीषी लोग ध्यान में बैठे थे उनको ये शास्त्र लिखने का, पढ़ने का, संस्कृत बोलने का, जितनी भी हमारी प्राच्य भाषाएं हैं जो जिसकी उत्पत्ति हुई है वो भगवान शिव के डमरू से हुआ है, जो 14 माहेश्वर सूत्र के रूप में उद्धृत होकर के हम लोगों के सामने आए हैं और उसी में से निकला हुआ ध्वनि ज्योतिष शास्त्र। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कई बार हम साउंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि साउंड एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये जैसे आपने अगर किसी की साउंड एस्ट्रोलॉजी में जो बातें बता दी, ये पूरी लाइफ ऐसी रहती है? क्योंकि देखिए आवाज़ तो बदलती रहती है, कई बार आवाज़ बहुत आपको उसमें बहुत एनर्जी फील होगी, कई बार जब हमारा मन उदास होता है तो आवाज़ भी हमारी थोड़ी सी लो हो जाती है, तो ये पूरी उम्र एक जैसा ही रहता है एस्ट्रोलॉजी की इस गणना में स्वर के साथ, या ये वक्त के साथ बदलता भी है? देखिए परिवर्तन काल चक्र और ग्रहों का होता है और उसके आधार पर जिस ग्रह का बल अत्यधिक होता है मनुष्य के शरीर में उसके अनुसार से उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन मूल रूप से जो उसका स्वर है और उसकी जो ध्वनि है वो बाहरी दृष्टिकोण से सुनने में ऐसा लग सकता है कि इसमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जब इस शरीर को धारण किया और जैसे ही उसके शरीर में आत्म तत्व का प्रवेश हुआ तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन देश काल परिस्थिति के अनुसार काल चक्र जो होता है और ग्रहों के गवर्न करने के सिचुएशन के आधार पर परिवर्तन होता है, ऐसा जो है कहा जा सकता है, लेकिन मूल स्वरूप जो ध्वनि का है वो परिवर्तित नहीं होती है। तो एक चीज़ और, जैसे आपने बताया कि जो बेस है वॉइस का वो नहीं चेंज होता, मतलब उसमें जो आप ग्रहों और नक्षत्रों की गणना कर रहे हैं वो कभी नहीं बदलता, तो क्या ये जो साउंड एस्ट्रोलॉजी है ये क्या रेमेडीज़ भी बताती है कि अगर आप कह रहे हैं कि कोई मुश्किल आने वाली है फ़र्ज़ करिए तो हमें क्या करना चाहिए, तो क्या वो रेमेडीज़ भी इसमें शामिल है? बिल्कुल शामिल है। जैसे उदाहरण स्वरूप ले लीजिए, कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए जाता है और कोई परीक्षा के लिए जा रहा है, तो एक आदमी उत्साह से जा रहा है और पूछा जाता है तो किसी चीज़ों को बड़े उत्साह के साथ बता के चला आता है, और एक आदमी डरा हुआ सहमा हुआ जाता है। तो ऐसे स्थितियों में वो निर्भर करता है, डर करके जाने वाला व्यक्ति भी कभी कभी सफल हो जाता है और बिना डरे हुए व्यक्ति को भी कभी कभी असफलता मिल जाती है, ये दो विषय है। लेकिन अगर हम विचार करके देखते हैं ध्वनि शास्त्र के आधार पर, तो जो व्यक्ति अपने किसी भी चीज़ को पूरे पूरे जो कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, तो यह भी ध्वनि शास्त्र के अंदर में निर्धारित जो उस पर ग्रह चल रहे हैं वो निर्भर करते हैं कि किस काल चक्र में, किस खंड में, किस समय में वो कहाँ पर जा रहा है और उसकी स्थितियाँ उस समय, ग्रहों का सिचुएशन क्या है। एक बात में बताऊँ, मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है साउंड एस्ट्रोलॉजी, इट इज़ अ इंस्टिंक्ट थिंग, मतलब तुरंत, क्योंकि बाकी में तो चार्ट होता है, उसमें गणनाओं में वक्त लगता है, लेकिन ये कहूँ कि ये इंस्टेंट सोल्यूशन है। अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हो और आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं पास हूँ फेल हूँ या जो भी रिजल्ट होगा, ये कहूँ कि इट्स इंस्टेंट एस्ट्रोलॉजी कह सकते हैं। क्योंकि एक बात इसमें मैं स्पष्ट करूँ कि अगर कोई व्यक्ति सोया है और बोल भी नहीं रहा है तो उसकी श्वास तो चल रही है, तो जो श्वास चलती है उसमें से एक स्वर निकलता है सोहम सोहम। गौर से अगर किसी को देखिए तो श्वास में क्या निकल रहा है, सोहम सोहम, इसका अर्थ होता है कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो। तो ये जो श्वास सोहम का बोध करा रहा है, तो स्वयं के बोध की जो स्थिति यहाँ पर है और उसमें से जो श्वास चल रही है, तो वहाँ से भी सोने पर भी मनुष्य के शरीर के अंदर में जो ध्वनि निकल रही है, सोने पर भी ध्वनि निकल रही है। कोई लोग सोचते हैं कि वो तो सो गया तो उसमें से आवाज़ कहाँ से आ रही है, वो बोल तो रहा नहीं है, लेकिन जो हमारा श्वास चलती है, स्वर चलता है, तो उसमें भी जो साउंड एस्ट्रोलॉजी है वो अपना कार्य सतत निरंतर करती रहती है। उसके माध्यम से भी हम पता लगा सकते हैं कि सोए हुए व्यक्ति की अवस्था में, जैसे कोई व्यक्ति मूर्छा की अवस्था में हो, कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर चला गया हो, तो लोग बोलेंगे कि वो तो बोल तो रहा नहीं है, तो कैसे आप ज्योतिष बताएंगे, वो तो इस समय वेंटिलेटर पर लगा हुआ है। तो ऐसी अवस्था में
उसके अंदर जो श्वास चल रही है, जो उसका एक्टिविटी चल रहा है, जो उसके हाथ पांव चल रहे हैं, या जिस किसी भी अवस्था में मनुष्य होगा, तो साउंड एस्ट्रोलॉजी उसके अंदर में चल रही क्रिया प्रतिक्रिया और उन घटनाओं को पूर्ण रूपेण अध्ययन करके बताया जा सकता है कि यह मनुष्य की अवधि कितनी है, समय कितना है, कौन सा ग्रह चल रहा है, और इसके बाद ये इसका रोग ठीक होना है, रोग ठीक नहीं होना है, और आगे इसका भविष्य क्या हो सकता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम मृत्यु को भी इसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितने दिन तक हमारी इस धरती में हम रहेंगे, कितने दिन तक हमारे जीवन, हमारी पूरी जिंदगी है। हाँ, ध्वनि शास्त्र जो है मृत्यु को भी बता देता है, क्योंकि ये देखने को अक्सर मिला है कि शरीर से जब आत्म तत्व निकलने लगता है तो आम तौर पे मनुष्य का क्या होता है कि उसके सारे, कहीं कभी आपने सुना होगा कि उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है, ये संकेत मिलने लगता है। तो उसके श्वास से और उसके अंदर में जो क्रियाएं चल रही हैं, जो उसमें से शब्द निकल रहे हैं, जो ध्वनि निकल रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि शब्द में वो बोले, वो श्वास के माध्यम से भी बोलेगा, तो वहाँ से स्पष्ट होने लगता है कि अब अवधि इस मनुष्य की बहुत काफ़ी लंबे समय तक इस धराधाम पर नहीं है। बाकी एस्ट्रोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी कैसे अलग है, क्योंकि देखिए ये तो हर कोई कहता है कि जिंदगी और मौत कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन आप कह रहे हैं कि साउंड एस्ट्रोलॉजी इसको भी प्रिडिक्ट कर सकती है। देखिए, जो जन्म लिया है, ज न और म तीन शब्द है, तो इस जगत में जो आया है तो जन्म लिया है, उसका मृत्यु होना निश्चित है, क्योंकि जिस लोक में हम लोग बैठे हैं यह मृत लोक है, यहाँ हम सदैव के लिए नहीं आए हैं। हम मृत्यु होने के बाद में हम इस पंच भौतिक शरीर का परित्याग करते हैं, आत्मा जो है दूसरे में फिर प्रवेश करती है, उसके विहित कर्मों के आधार पर उसका पुनर्जन्म होता है। लेकिन इसमें से मूल सूत्र क्या होता है कि हमारी जो भी क्रिया चल रही है, अगर मनुष्य की आवाज़ बंद हो जाए तो उसकी जो एक्टिविटीज और उसकी क्रियाएं हैं वो कौन देखता है, कौन जानता है, कोई नहीं जानता। लेकिन इस आकाश मंडल में करोड़ों अनगिनत, चाहे वो तारा मंडल हो, चंद्र हो, सूर्य हो, या कितने अरबों लोग जो है जन्म लेकर के आए और चले गए, उस सबका जो है आकाश मंडल में किसी न किसी रूप में रिकॉर्ड्स जो है घूम रहा है, तरंगित हो रहा है। हम लोग जो भी बात कर रहे हैं यह तरंग भी इस आकाश मंडल में है, और कब और किस वक्त जो है ये चीज़ बोला गया, कहा गया, ये सब का सब जो है आपका ध्वनि पर ही आधारित है। उदाहरण स्वरूप आपको मैं बताऊं कि ध्यान में एक ऐसी अवस्था है जिसमें कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है, उतना वर्ष पीछे ध्यान में जा करके हम उसको जैसे लाइव देखते हैं किसी चीज़ों को, तो हम उसे लाइव सुन भी सकते हैं। यह है ध्वनि शास्त्र की विशेषता, क्योंकि इसके उत्पत्ति का मूल देवता और कारक जो है भगवान शिव है। तो बहुत बड़ी बात आपने बताई कि मतलब पीछे जो बीत चुका है वो सारी चीज़ें सुनी जा सकती हैं। हाँ, अब उदाहरण ले लीजिए कि मैं आपके स्टूडियो में बोल रहा हूँ। हाँ। तो आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया, जब हम नहीं रहते हैं तो आप इसे सुना देते हैं, तो ये भी तो ध्वनि शास्त्र है, ये भी तो ध्वनि ज्योतिष हुआ कि किसी चीज को अगर हम बोल रहे हैं तो आपने इसको रिकॉर्ड किया, बाद में इस चीज को आपने दिखा दिया। आपने एक और बात बोली, आप कह रहे हैं कि किसी इंसान का पास्ट क्या था वो भी आप बता सकते हैं साउंड एस्ट्रोलॉजी में। हाँ, वो कैसे होता है? देखिए, साउंड पास्ट ऐसे पता चलता है कि जैसे ही मनुष्य कोई प्रश्न या कोई चीज होती है, या जब वो बोलता है, चलता है, किसी चीज को सोचता है, तो सोचेगा तो स्वाभाविक है कि जैसे ही उसके दिमाग में ये सोच आएगी तो सोच आने के बाद में कुछ न कुछ वो बोलेगा, तो जैसे ही वो बोलेगा तो उसे वो बातें पकड़ में आ जाती हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है और ये भविष्य में क्या करना चाहते हैं। और ये बोलने वाले, बुलाने वाले और उसको चलाने वाले कोई नहीं होते हैं, ये नवग्रह ही होता है जो प्रभु के द्वारा निर्धारित किया गया है, जो सुप्रीम पावर है वो सबको गवर्न कर रहा है। और घूम फिर करके ये ध्वनि शास्त्र भी फिर जा करके उस परब्रह्म परमेश्वर में समाहित हो जाता है। आखिरी सवाल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुर्भाग्यवश आवाज़ नहीं है, बोल नहीं सकते, आवाज़ चली गई, उनको कैसे साउंड एस्ट्रोलॉजी से पकड़ा जाएगा या उनको किस तरीके से उनका भविष्य प्रिडिक्ट किया जाएगा? देखिए, वो बोल नहीं सकते हैं, वो चलते हैं, लेकिन उनकी श्वास तो चल रही है, तो सांस में भी तो ध्वनि है। अभी मैंने आपको बताया कि मनुष्य बोल नहीं सकता है, बिल्कुल ना बोले, फिर भी उसकी जो श्वास चल रही है, जिसमें सोहम सोहम की आवाज़ आ रही है, वो तो आत्म तत्व है, वो प्रकाशित हो रही है, और उसकी जो सोहम सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है,
सो अहम अस्मि, मैं वही हूँ जिसे तुम बाहर में तलाश कर रहे हो, मैं तुम्हारे अंदर में विराजमान हूँ। तो उसके माध्यम से, उसकी सांस के द्वारा उसको पकड़ करके, जो सांस की ध्वनि चल रही है उसके माध्यम से उसका भविष्य बताया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हमने इस पॉडकास्ट में जानी हैं कि देखिए साउंड और एनर्जी, पॉजिटिविटी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमसे रिलेट करती है, हमारे भविष्य से रिलेट करती है, हमारे वर्तमान से रिलेट करती है, और शायद इसी के इर्द गिर्द ये साउंड एस्ट्रोलॉजी घूमती है, जिसको अभी हमें आचार्य कृष्णा जी ने पूरे विस्तार से बताया भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य कृष्णा जी अपना समय देने के लिए और इस पॉडकास्ट में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ों को बताने के लिए। तो रिपब्लिक मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म में लगातार हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो विषय हैं जो एक तरह से कहें कि आपने उन विषयों के बारे में नहीं सुना है, आप उन बातों को शायद जानते भी नहीं, और हमारे लिए भी बड़ी नई चीज़ें होती हैं, तो हम ऐसी चीज़ें आपके सामने लाते भी हैं और हमारी कोशिश है कि ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचे भी। तो हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और अपने सुझाव भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।